डोंगरगांव के पास गायकवाड़ पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में कोविड सेंटर शुरू किया गया है, जहां निर्मला मनोहर शेंडे उम्र 69 साल को कोविड इलाज के लिए 3 अप्रैल को भर्ती किया गया था, लेकिन निर्मला शेंडे की 15 अप्रैल को मृत्यु हुई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने निर्मला का शव परिजनों को देने से इनकार किया। परिजनों द्वारा जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का निवेदन दिया गया है। डोंगरगांव के समीप गायकवाड़ इंटरनेशनल स्कूल में कोविड सेंटर बनवाया गया है, जहां निर्मला शेंडे नामक मरीज का भी इलाज चल रहा था। निर्मला शेंडे को इस कोविड सेंटर में भर्ती करते समय परिजनों द्वारा 70,000 रुपए जमा किए गए थे, जिसके बाद 15 अप्रैल को निर्मला शेंडे इनकी मृत्यु हुई तो अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज के परिजन से 1,83,251 रुपए की मांग की गई और कहा गया कि जब तक यह राशि अदा नहीं करते हैं तब तक शव नहीं दिया जाएगा। पूरे 30 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को शव नहीं दिया था। परिजनों द्वारा इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई और कार्रवाई करने की मांग का निवेदन भी दिया गया है। आइए सुनते हैं मरीज के परिजनों की जुबानी। मामला ऐसा है कि 5 से 6 दिन पहले मेरे मित्र है शेंडे जी, इनकी मम्मी को वहाँ पर एडमिट किया गया गायकवाड़ हॉस्पिटल के अंदर में। उन्होंने का कहना आया कि 1,00,000 रुपये लगेगा जो पैकेज है हमारा। हमने उसके पैकेज को मान्य किया 1,00,000 रुपये के, उसमें 75,000 रुपये हमने गायकवाड़ हॉस्पिटल के अंदर में जमा कर चुके पहले में ही। उन्होंने कुछ दवाई वगैरह लिख के दिया जिसके अंदर में खर्च काफ़ी आ चुका है हमारे को। और कल 11 बजे जो है हमारे दोस्त की मम्मी की जो है मैडम की जो डेट हो गई, कल से लेके आज तक के गायकवाड़ हॉस्पिटल के संचालक का कहना आता है कि हमें जो है 2,50,000 रुपये जब तक आप देंगे नहीं हम डेड बॉडी आपको देने वाले नहीं हैं। उसके बाद में मेरी भी उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो फ़ोन पे भी उन्होंने कहा कि मेरे इससे पहले कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मैं किसी के भी कहने पे आने वाला नहीं, चाहे आप वो कलेक्टर को बोलो या कमिश्नर को बोलो, मेरे को 2,50,000 रुपये आप पे करो जब लिया कि आप ड्यूटी बने। कल से लेके आज तक के 30 घंटे हो गए, ना प्रशासन इस बात को सुनवाई कर रहा है, ना हॉस्पिटल वाले इस बात के ऊपर मान्य कर रहे हैं। डेड बॉडी वहाँ अभी तक के कोविड की जो वहाँ पर मेरी डेड बॉडी पड़ी है, हमारा कहना है कि हमको एक बार दिखा दिया जाए और दिखाने के बाद उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाए। मैं आज निवेदन माननीय कलेक्टर साहब को मैंने दिया, कलेक्टर साहब को देने के बाद में कलेक्टर साहब को इसकी पूरी जानकारी है, कलेक्टर साहब को जानकारी रहने के बाद में जब मैंने कलेक्टर साहब को बताया, निर्मला शेंडे करके मैडम है जो वहाँ पर डेट हो गई, तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया, उन्होंने चर्चा किया। कलेक्टर साहब का कहना है कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं 20-25 हज़ार रुपये के लिए आपके लिए जो है हमारा एडिट के हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रहा था उसमें उतना मैं मानदन कर सकता हूँ। आज मेरे साथ में जो खड़े हैं ये जो हैं एक साधारण व्यक्ति है, ये पान ठेले की दुकान है का कारोबार करते हैं, अपना पान ठेला चला के कारोबार करते हैं। आज हम दर बदर अटक रहे हैं, उसके बाद में कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है हमारे जो ऑडिट है उसके हिसाब से हम देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तहसीलदार साहब से मिलो ग्रामीण के, तो मैं तहसीलदार साहब से भी मिलकर आया। वो मुझे और उल्टा कह रहे हैं कि जब आपको वहाँ पर मैं आपकी फैसिलिटी नहीं थी तो आपने वहाँ एडमिट नहीं करवाना था, तो एडमिट नहीं करवाने था मतलब यानी कि आज गरीब जो है जो बात हुई हॉस्पिटल से 1,00,000 रुपए का, हम 1,00,000 रुपए पे करने को आज भी तैयार है। हमने 75,000 रुपये दे चुके हैं, 50 से 60 हज़ार रुपये की हमारी दवाई हो चुकी है, हम दवाई को पे नहीं कर रहे, हम 25,000 रुपये और दे के हमारी डेड बॉडी हमको वापस किया जाए। इसके कारण हम कलेक्टर से लेकर तहसील तक हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक के डेड बॉडी हमारे हाथ में आई नहीं है। कलेक्टर साहब का भी कहना है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। माझी आई निर्मला मनोहरराव शेंडे इला गायकवाड पाटील हॉस्पिटल मध्ये भर्ती करण्यात आलं होतं डोंगरगावला 3 तारखेला, आणि काल 15 तारीख या ठिकाणी 10:30 वाजता तिचा मृत्यू झाला। बिल निघालं होतं 2,500 रुपये, 2,50,000 रुपये आणि ते झालं होतं आपलं 1,00,000 मध्ये, पण 70,000 भरल्यावर हे म्हणतात की बाकीची उर्वरित रक्कम भरा तेव्हाच तुम्हाला न्यावं लागेल, रक्कम जास्त काढण्यात आली आहे। बॉडीला मिळेल 30 तास झाले, ते डेड बॉडी ते त्यांचा अंतिम संस्कार व्हायला हवा, पण यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई झाली पाहिजे यांच्यावरती। ऐसे कठिन समय में प्रशासन क्या रुख अपनाती है ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।